सभी को। तो आज मैं आपको ढोलक के साथ साथ यानी कि भजन भी सुनाऊंगी और ढोलक भी सिखाऊंगी। इसका क्या रीजन है कि जैसे हमारी कुछ बहनों के कमेंट आते हैं कि दीदी आप जब भजन गाते हो ना तो ढोलक पे उतार और चढ़ाओ, कहाँ पे थपकी देनी है, बीच में जो थपकी हम देते हैं थपाक देते हैं उसको कैसे देना है और स्टार्टिंग कैसे करनी है। ठीक है, आप भजन तो सुनोगे लेकिन ध्यान आपको हाथों पे भी देना है। ठीक है, तो भजन के साथ साथ ढोलक भी सिखाने का आज मैं प्रयास करूंगी आप सभी को। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कैसे। जब हम ढोलक को स्टार्ट करते हैं तो थपकी कैसे बजाते हैं आप ध्यान से देखिएगा, कैसे हम थप थप करके थपकी भी देते हैं साथ में। और उसके बाद मैं स्टार्टिंग से उंगलियों पे जाऊंगी, पहले हम थपकी देते हैं फिर हम उंगलियों को बजाते हैं, उसके बाद जब हमारा उतार और चढ़ाव यानी कि भजन में जब उतार चढ़ाव होता है, उतार चढ़ाव का मतलब होता है कि भजन की जो तर्ज होती है धीमी और तेज होती है, तो उस हिसाब से हम थपकी देते हैं। ठीक है, और रोकते भी हैं बीच बीच में, मैं अपने दोनों हाथों को भी रोकती भी हूँ। ठीक है, आपको ध्यान देना है कैसे मैं क्या करती हूँ, आपको फिर वैसे ही मेरे ढोलक के पार्ट से ढोलक सीखनी है। और उसके बाद अगर चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपना प्यार और सहयोग सदा ऐसे ही देते रहे। बड़ों से निवेदन है कि अपना आशीर्वाद हमें जरूर दें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, और वीडियो को स्किप ना करें, तभी हमारी बातों को आप ध्यान से सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग देखिएगा ध्यान से, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों हाथों को जिससे हम उंगली चलाते हैं ना उसको उंगली से हम स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हमें कैसे ध्यान से देखिएगा, यानी कि ये वाला थपकी वाला जो हाथ है मैंने ऐसे प्रेस किया, और जो ये वाला हाथ है हमने इसको ऐसे किया, यानी कि ऐसे उंगली नहीं चलाई हमने डायरेक्ट इस पे। देखिए हमने ऐसे उंगली बिल्कुल भी नहीं चलानी है स्टार्टिंग में, सबसे पहले हमें यही ध्यान देना है स्टार्टिंग में। ठीक है, तभी अगर आप डायरेक्ट ऐसे बैठ जाओ ढोलक लेके ऐसे बजाके तो बिल्कुल आनंद नहीं आएगा, ना गाने वाले में जोश आएगा ना भजन में आनंद आएगा। तो जब भी आप बजाओ स्टार्ट करो तो थपकी का इस्तेमाल जरूर करो, थपकी जरूर लो आप सबसे पहले। ठीक है, तो कैसे लेनी है आप देखिएगा ध्यान से। बीच बीच में हम थपकी लेते हैं वो कैसे लेते हैं ये भी बता देते हैं हम आपको स्टार्टिंग में कैसे। देखिए हमने ये थपकी ली, ये उंगलियां चलाई, ये भजन में जो उतार चढ़ाव आया तो हमने क्या किया, ऐसे जो थपकी बीच में लेते हैं वो भी हमने ले ली। ठीक है, तो अब जब हम भजन गाएंगे ना उसके साथ उतार चढ़ाव के साथ हम इस भजन को गाएंगे और ढोलक भी बीच बीच में आपको सिखाएंगे, आप सीखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। मन चले वृंदावन धाम हो, मन चले वृंदावन धाम, जपेंगे राधे राधे श्याम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ेंगे कावल साड़ी हो, मिलेंगे कुंज बिहारी, ध्यान दिया।
तो ऐसे ही जब आप भजन को गाएंगे और ढोलक सीखेंगे, यानी कि जब ढोलक बजाने भी लगेंगे, तो आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी और ऐसे ही सीखना है। तो बीच बीच में जो हम थपकी लेते हैं, बीच बीच में जो हम उतार चढ़ाव करते हैं, और बीच बीच में जो ऐसे ऐसे करके करते हैं, यानी कि थपा दोनों हाथ से देते हैं, उंगलियां नहीं चलाते, इससे भी ऐसे ऐसे करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक अलग अलग तर्ज बन जाती है। भजन धीमा है तो अलग सा हो गया, भजन को हम जब ऊपर नीचे करते हैं तो हम बीच बीच में ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे करें, तो वो एक अलग सा एक लगता है। आपने भी इस चीज को गौर किया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। और जो भी समझ में ना आए आप सभी को कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, बाय बाय, धन्यवाद।